फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं किसी के साथ कुछ हो गया है, जैसे मेरी कार को कुछ हो गया है, मेरे पैर को कुछ हो गया है, तुम्हारे दिमाग को कुछ हो गया है, टीवी में कुछ हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरी कार को कुछ हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय कार। आप ऐसे भी कह सकते Something is wrong with my car. मेरे पैर में कुछ हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे There's something wrong with my foot. आप ये भी कह सकते हैं Something is wrong with my foot. टीवी में कुछ हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे There's something wrong with the TV. यानी टीवी में कुछ हो गया है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं Something is wrong with the TV. मोबाइल में कुछ हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे There's something wrong with the mobile. या फिर आप ये कह सकते हैं Something is wrong with the mobile. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इन दोनों टॉपिक्स में से किसी का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस लेसन को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।